हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियंट ब्यूटी. दिस इज शिवानी एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय लवली व्यूवर्स. सो दिस वीडियो इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो, माय हॉनेस्ट स्किन केयर एंड हेयर केयर रूटीन. सो फॉर नाउ इन दिस वीडियो आई विल शेयर माय स्किन केयर रूटीन, और हेयर केयर रूटीन मैं किसी और वीडियो में शेयर करूंगी. सो स्टार्टिंग विथ माई नाइट स्किन केयर रूटीन, ऑफकोर्स सबसे पहले फेस वॉश करती हूँ. सो द फेस वॉश विच आई एम यूजिंग इज स्किन परफेक्ट पिंपल रिडक्शन प्लस वाइटनिंग फेशियल फोम फॉर द एज 20 प्लस फ्रॉम द लॉरियल पैरिस. इसमें आपको एक और वेरिएंट भी मिल जाएगा फॉर द एज 30 प्लस. और दूसरा जो मैं यूज़ करती हूँ इस टी ट्री फोमिंग फेस वॉश फ्रॉम द गुड वाइब्स. दोनों भी काफ़ी अच्छे हैं, अफोर्डेबल है, इनमें ऑफर्स रहते हैं हमेशा. और सबसे मेन कि इससे मुझे रिजल्ट्स भी अच्छे मिले हैं, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है. मोस्ट ऑफ द फोमिंग फेस वॉशेज टेन टू मेक योर स्किन ड्राई, बट इनको यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ. As you can see, this is my second purchase. इससे पहले भी मैं इनको यूज़ कर चुकी हूँ, इनका मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उसके बाद ही मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ. तो मैं कभी किसी और वीडियो में इनका डिटेल रिव्यू दूंगी. And sometimes I don't use face wash, I just use home remedies like milk, coffee, there are many options. After using face wash, I use face scrub, और इस स्टेप को मैं वीकली 2 times फॉलो करती हूँ. एंड काफ़ी बार मैं होममेड स्क्रब्स जो होते हैं उन्हें ही यूज़ करती हूँ. बट अदरवाइज़ इफ़ यू आस्क मी विच रेडीमेड स्क्रब डू आई यूज़ चोको कॉफी ग्लो स्क्रब फ्रॉम द गुड वाइब्स, माई करेंट फेवरेट. अब यहाँ मैं आप लोगों से एक टिप शेयर करूँगी. आफ्टर यू आर डन विद योर क्लेंजिंग पार्ट, दैट इज़ फेस वॉश एंड फेस स्क्रब, जस्ट टेक अ स्लाइस ऑफ द टमेटो, रब इट ऑन योर फेस फॉर 2 to 3 minutes. और अगर आपके पास टाइम है तो उसे 1 to 2 minutes के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, या फिर डायरेक्टली प्लेन वाटर से वॉश कर लो. ट्रस्ट मी गाइज, दिस स्टेप कैन बी अ गेम चेंजर फॉर योर स्किन केयर रूटीन. अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, फ्रेश, हेल्दी, ग्लोइंग स्किन, इवन टोन होती है स्किन. मैं इस स्टेप को रोज़ फॉलो नहीं करती हूँ, पर जब भी मेरी स्किन थोड़ी डल लगती है आई फॉलो दिस फॉर 4 to 7 days. आफ्टर दैट आई यूज़ माई होम मेड टोनर, जिसपे ऑलरेडी मैंने 2 videos बनाई हैं. आप चाहे तो उन्हें चेक कर सकते हैं, मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और वीडियो के एंड में भी दे दूँगी. डू चेक इट, दोनों भी टोनर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. देन आई यूज़ फेस पैक, नॉट डेली बट एवरी ऑल्टरनेट डे और वीकली 2 times. बट टू बी ऑनेस्ट, इतने बिजी स्केड्यूल के वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम आई फॉरगॉट टू अप्लाई द फेस पैक, पर जब जब पॉसिबल हो विदाउट फेल मैं अप्लाई करती हूँ. अब यहाँ मैं आप लोगों को कुछ खास रेडीमेड ऑप्शंस नहीं दे पाऊँगी, बिकॉज आई लव यूजिंग होममेड DIY फेस पैक्स. मेरे पास कुछ वेराइटीज़ है ऑर्गेनिक पाउडर्स के फ्रॉम द ब्रांड एल्प्स गुडनेस, मैं वही यूज़ करती हूँ. एंड यू नो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ होम रेमेडीज़, मुझे जब जैसा चाहिए उस हिसाब से आई पिक एंड चूज, उन्हें अच्छे से मिक्स कर लो एंड योर फेस पैक इज़ रेडी. मैं कभी इस पर एक वीडियो बनाऊँगी कि कौन से ऑर्गेनिक पाउडर्स आपके पास होने चाहिए जो आपके स्किन और हेयर दोनों के लिए काम आएंगे. ऐसा नहीं है कि बहुत सारे होने चाहिए, बट कुछ बेसिक वाले जो आपको ऑल टाइम काम आएंगे. एंड नाउ द लास्ट स्टेप ऑफ माई नाइट स्किन केयर रूटीन, आई यूज़ मॉइस्चराइजर, और उसके बाद आई यूज़ अंडर आई सीरम, जो कि काफ़ी बार मैं लगाना भूल जाती हूँ. बट नाउ एज यू कैन सी, मुझे थोड़े डार्क सर्कल्स आ गए हैं, तो मुझे इसे रेगुलरली यूज़ करना पड़ेगा. सो द मॉइस्चराइजर विच आई यूज़ इज़ रोजिप मॉइस्चराइजर फ्रॉम गुड वाइब्स, एंड द सीरम विच आई यूज़ इज़ लेमन एंड क्यूकुम्बर सीरम, अगेन फ्रॉम द गुड वाइब्स. सो इन माई केस मुझे इस सीरम से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला. जब मैं स्टडीज़ के लिए रात में जगती थी, इसने मेरी काफ़ी हेल्प की. सो यर आई एम डन विथ माई नाइट स्किन केयर रूटीन. बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने अभी इतनी बात की इसलिए ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा है, बट इट ओनली टेक्स 5 to 10 minutes, क्योंकि बाकी जो स्टेप्स है स्क्रबिंग, फेस पैक एंड टमेटो स्लाइस, ये सब आपको रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ कमिंग टू माई मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, यहाँ मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ बिकॉज किसी को सुबह इतना टाइम नहीं होता है. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं काफ़ी बार लेट उठती हूँ, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन. सो आई ट्राई टू कीप माई मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन एज सिंपल एज पॉसिबल, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है. सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नाइट स्किन केयर रूटीन, क्योंकि रात में हम जब सोते हैं हमारी स्किन हील होती है, रिपेयर होती है, उस वक्त कोई पोल्यूशन नहीं होता है, सनरेज नहीं होते, कुछ भी नहीं होता है. तो सुबह मैं सबसे पहले फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं टोनर यूज़ करती हूँ. काफ़ी बार विंटर्स में मैं सुबह फेस वॉश भी नहीं करती हूँ, जस्ट प्लेन वाटर से फेस को वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि रात में अगर आपने स्किन केयर रूटीन अच्छे से फॉलो किया है तो सुबह आपकी फेस क्लीन ही रहती है. तो अननेसेसरीली फेस वॉश करके हमें स्किन को और ज़्यादा ड्राई नहीं बनानी है. नाउ अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किन टाइप, हाउ योर स्किन इज़ फीलिंग इन द मॉर्निंग, आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं. एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट विंटर्स, क्योंकि यहाँ स्किन ऑलरेडी ड्राई रहती है हमारी,
इसलिए बहुत बार मैं प्लेन वाटर से वॉश कर लेती हूँ। या फिर आप चाहो तो मॉर्निंग में रॉ मिल्क या फिर कर्ड से भी अपना फेस वॉश कर सकते हो, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आफ्टर दैट आई अप्लाई मॉइस्चराइजर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सनस्क्रीन। सो द सनस्क्रीन विच आई यूज इज फ्रॉम मामा अर्थ अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन विथ कैरेट सीड एंड टर्मरिक एंड विथ SPF 50। सो आई विल प्रोवाइड ऑल द लिंक्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है। सो हियर वी आर डन विथ माई नाइट एंड मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। आपको सबसे ज़्यादा टाइम अपने नाइट स्किन केयर रूटीन को देना है, क्योंकि एज आई सेड उस टाइम पर हमारी स्किन हील होती है। और बाकी जो कुछ मैं एक्स्ट्रा चीज़ें करती हूँ वो तो मैं अपने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बट आज जो मैंने शेयर किया उसे मैं विदाउट फेल फॉलो करती हूँ, फिर चाहे बाकी कुछ करूँ या ना करूँ। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ येस देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल बटन फॉर मोर सच वीडियोज़। सो सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।